एक गांव में एक बहुत बड़ा मछुआरा रहता था। वह दिन रात मछलियाँ पकड़ता और शहर में जाके बेचता था। एक दिन की बात है कि वह मछलियाँ पकड़ने आया, लेकिन उसको मछलियाँ वहाँ मिली नहीं। अब वह बहुत परेशान था कि आज का दिन कैसा मनुष्य है कि मुझे मछलियाँ ही नहीं मिल रही हैं। वह जाल बार बार डालता नदी में और उसको एक भी मछली नहीं फंसती। वह बहुत दुखी होता कि हर रोज़ मेरी हजारों रुपए की मछलियाँ बिक जाती हैं, आज मैं कुछ भी नहीं बेच पाऊँगा और मेरे जो भी ग्राहक हैं वो बहुत दुखी होंगे कि मछली लेके मछली वाला नहीं आया। वह बहुत दुखी होता है। फिर वह प्रयास करता है कैसे भी करके थोड़ी मछलियाँ तो पकड़ लूँ, लेकिन कुछ नहीं होता। तब तक उसका बेटा और उसकी पत्नी बहुत ही चिंता करती हैं कि तुम्हारे पिताजी अभी भी नहीं आए हैं, मछली पकड़ने गए थे। वैसे तो बहुत जल्दी आते हैं, फिर शहर जाते हैं, आज क्या हो गया। माँ से बेटा कहता है, बेटा से माँ कहती है कि अरे अरे अब क्या करें, पिताजी तो अभी तक नहीं आए हैं और हमने तो खाना भी नहीं खाया है। चलो, फिर उसकी बेटी भी आ जाती है और उसका बेटा, दोनों मिलके फिर खेलने लगते हैं। वो भूल जाते हैं उसके पिताजी मछलियों को पकड़ने गए थे। फिर उसका बेटा कहता है, अरे हमारे पिताजी अभी तक नहीं आए हैं और हम लोग इतनी अच्छे से मज़े से खेल रहे हैं, हमें अपने पिता की बिल्कुल चिंता ही नहीं होती है। तो उसका बेटा कहता है, और हम कर भी क्या सकते हैं, हमारे पिताजी तो नदी में मछलियाँ पकड़ने जाते हैं, हम बहुत अभी छोटे हैं और हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो हम लोग फिर से खेलना शुरू करते हैं। मछुआरा घर वापस आता है और कहता है, कपड़े उपड़े पहन के मैं एक ब्राह्मण देवता के यहाँ जा रहा हूँ, उनसे कुछ उपाय पूछूँगा कि मेरी मछलियाँ जो हैं आजकल मुझे मिलना बंद क्यों हो गई हैं, मेरा सारा धंधा चौपट होता जा रहा है और मैं शहर को क्या लेके जाऊँ और क्या बेचूँ जाके जिससे मेरा जीवन सुख में व्यतीत हो। फिर वह शहर जाता है और वहाँ देखता है कि उसे कुछ नहीं मिला और वह ब्राह्मण देवता के पास जाता है और उनसे कहता है, गुरुदेव कृपा करके कुछ ऐसा मुझे बताइए जिससे मेरा पूरा जीवन सुख में व्यतीत हो, मेरा अच्छे से मेरा व्यवसाय चले और मुझे कुछ पैसे मिले। पंडित जी को घर पे बुलाया, अच्छा सा भोजन बनाया और खूब सारा भोजन करा के ब्राह्मण देवता के पैर छुए और उन्हें दक्षिणा देकर उनसे पूछा कि कुछ तो कृपा करिए, कुछ तो बताइए जिससे हमारा घर ठीक से चले। ब्राह्मण देवता, तब तक दूसरे ब्राह्मण देवता के पास उनकी पत्नी जाती है, उनसे कहती है, गुरुजी बताइए कुछ, हमारे पति का तो धंधा पानी ही नहीं चल रहा है और हम क्या करें, कैसे क्या होगा, जीवन कैसे व्यतीत होगा, मेरे दो दो बच्चे हैं उनकी परवरिश करनी है और अब क्या करें। पंडित जी ने कहा, तुम शिव भक्त की प्रार्थना करो, तुम्हारा शिव में ध्यान लगेगा, भोलेनाथ सब कुछ ठीक करेंगे। फिर दोनों पति पत्नी मिलके अच्छी तपस्या करते हैं, पहाड़ों पे चले जाते हैं और दोनों बहुत ही देर तक तपस्या करते रहते हैं। इसे शंकर जी खुश होकर प्रकट होते हैं और कहते हैं, मांग बच्चा वरदान मांग, तुझे क्या चाहिए। वह कहते हैं, भोलेनाथ हे भोलेनाथ, हमारा कुछ भी काम नहीं अच्छे से होता है और हमारी ऊपर कृपा बनाए रखिए। फिर वह पंडित जी कहते हैं, क्या देखा तुमने, भोलेनाथ मिले थे। वह बहुत खुश होता है और ब्राह्मण देवता उसे आशीर्वाद देते हैं कि जा बेटा, आज से तेरे सारे काम होंगे और तू बहुत ही उन्नति को प्राप्त होगा, तुझे बड़े बड़े धन मिलेंगे, बहुत बहुत महल राज्य मिलेंगे। देखते ही देखते वह ब्राह्मण, वह मछुआरा बहुत ही पैसे वाला हो गया, उसके महल बन गए, राजमहल बन गए। लेकिन फिर एक दिन वो बहुत दुखी होने लगा, कहने लगा कि इन सब का मैं क्या करूं, मुझे वो मछलियां मिलती थीं और मैं शहर में बेचने जाता था, बस वही उतना ही मुझे अच्छा लगता था, ये इतना बड़ा राजमहल और राज दरबार मुझे समझ में नहीं आता है, मैं क्या करूं इन सब का, ज़्यादा मोह करना और लोभ करना ये मेरे लिए बहुत ही दुखदाई हो गया है, मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता, मुझे वो छोटा सा मकान और अपना छोटा सा परिवार ही अच्छा लगता था। तो इसीलिए कभी लालच नहीं करना चाहिए, जितना है उतने में ही खुश रहना चाहिए। बच्चों, मेरी कहानी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। हरे कृष्णा, बाय बाय।